पिछले एक महीने में बिहार की राजनीति में कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन नीतीश कुमार और उनके इफ्तार पार्टियों की चर्चा हर जुबान पर थी। इसके लिए वो विरोधियों के निशाने पर भी आए। इस कड़ी में आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार को लेकर अपने ट्विटर पर पोस्ट किया। पोस्ट में आरसीपी सिंह लिखते हैं, क्या लाजवाब रूटीन है नीतीश बाबू का। नीतीश बाबू, इस महीने की 5 तारीख से लेकर 23 तक का आपने टाइम टेबल देखा आपने? क्या गजब का टाइम टेबल है। मुख्यमंत्री के रूप में देश में आपने सऊदी में एक अजूबा रिकॉर्ड बनाया है। जरा सोचिए, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 10 10 इफ्तार पार्टियों में शरीक हुए, तरह तरह की टोपियां पहनी, रंग बिरंगे शॉल ओढ़े और विभिन्न प्रकार के लजीज व्यंजन ग्रहण किए। शीर चाय तो आपने पी ही होगी, बाकर खानी तो खूब खाई होगी। ईद के दिन तो आपकी गजब की मसरूफियत थी। सुबह 8 बजे से लेकर रात 10 तक विभिन्न जगहों पर आपने ईद की सेवइयों का सेवन किया। स्वाभाविक है, जिन जिन संस्थाओं और रसूखदार व्यक्तियों के दौलत खाने पर आप गए, उनको तो बहुत अच्छा लगा होगा और अच्छा लगना भी चाहिए, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री की हैसियत से आप उन स्थानों पर गए। जरा रुकिए और सोचिए नीतीश बाबू, जिन जिन इफ्तार पार्टियों में आप गए, क्या वहाँ उस समाज के आम आवाम तथा गरीब तबके के लोगों से आपकी भेंट हुई? उत्तर मिलेगा नहीं। गरीब गुरबों के लिए इफ्तार करना आपने उचित नहीं समझा। ईद के दिन सेवइयों का सेवन सिर्फ समाज के नामी गिरामी और अमीर लोगों के यहाँ ही आपके कदम पड़े। किसी गरीब की झोपड़ी में आपने सेवइयों का सेवन नहीं किया। क्या संदेश देना चाहते हैं आप नीतीश बाबू? समाज में सिर्फ अमीर लोग ही रहते हैं, आप सिर्फ अमीर लोगों के मुख्यमंत्री हैं। आरसीपी सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने आगे भी नीतीश कुमार को उनके विकास कार्यों को लेकर जमकर घेरा। बाकी आरसीपी सिंह के ट्वीट पर और नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइए।